वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट। बी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए साइंस के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उनके नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं। पिछले मैं जो क्लास करवाए हैं 182 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें जाके आप देख लीजिए जो न्यू जुड़े हैं, और जो रेगुलर हैं वो यहाँ से कंटिन्यू करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जहाँ साइंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 183, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव मस्तिष्क में कितने टोटल हड्डी होती हैं? तो देखिए, मानव मस्तिष्क में टोटल 8 अस्थि में कितने होते हैं? 8 अस्थि होते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे है, आधुनिक मनुष्य का हाल पूर्वज है, मतलब आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज यानी हाल ही का पूर्वज कौन सा है? तो जावा मनुष्य, क्रेमैग्नन मनुष्य, नियंडरथल मनुष्य या पैंकिंग मनुष्य, ये तो हो जाता है क्रोमैग्नन मनुष्य, ये आधुनिक मानव इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो बीजों से या तना काट से, इन दोनों से? तो आइए इसका आंसर देख, तो ये हो जाएगा इन दोनों से, बीज से भी मिलते हैं और तना से। तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि माँ पौधों की भांति पौधा यानी कि पौधों को हम कैसे उपजा सकते हैं या उसे लगा सकते हैं, तो बीज से भी पौधे उत्पन्न होते हैं और तना से भी, जैसे गुलाब को हम तना से भी पौधे बना सकते हैं, तो ये पूछा गया। आगे क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो 80% से अधिक क्या पाया जाता है सेल्स में? तो जल ही पाया जाता है। ठीक, तो याद रखिए सेल्स में सबसे 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। आगे है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? अदरक के पड़कन से, डहरिया की जड़ से, बालसन पुष्प से या आलू के कंद से? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए, ये हो जाता है डहरिया की जड़ से हम इंसुलिन प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? डहलिया की जड़ से। आगे है, हरगोविंद खुराना ने किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हरगोविंद खुराना क्या किए थे? तो ये किए थे प्रोटीन का संश्लेषण, नहीं जीन के संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण या इन्वेस्टमेंट? तो देखिए, ये क्या किया था, डीएनए को जो है, ये डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल जो है वो तैयार किया था, तो ये है जीन के संश्लेषण के लिए इसको पुरस्कार मिला था। आगे है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो देखिए, डेफलेसिया सबसे बड़ा पुष्प हो जाता है, वहीं बुल्फिया सबसे छोटा विश्व का पूछ रहा है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जो भी तना काट होता है आमतौर पर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो केला के लिए, आम के लिए, गन्ना के लिए या कपास के लिए? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसको हम तना से उपयोग करते हैं या लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखते होंगे गन्ना, गन्ना को हम क्या करते हैं, तो उसके तना को काट कर ही लगाते हैं, तो वो फिर से उत्पन्न हो जाती है। ठीक, आगे है, मटर का पौधा, मटर का पौधा क्या है, शाक है, झाड़ी है या पुष्प है? तो देखिए, मटर का पौधा जब भी पूछे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट सारे सीरीज है, तो ये हो जाता है साग, साग मतलब साग खाने वाला होता है, तो साग कुल का ये हो जाता है। ठीक, ये झाड़ी मत मारिएगा, ठीक, साग आंसर करके आइएगा। आगे है, विश्व का विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का क्या है मुख्य कारण? उत्परिवर्तन या हासिल हुए वे गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्णन? काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन इसी तरह रहता है और इसी तरह ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कन्फ्यूजन वाले। तो आइए हम देखते हैं, विकास का मुख्य कारक होता है उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन विकास का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो उत्परिवर्तन हो जाता है। आगे है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के पैर शरीर में जो पैर की होती है कैसी होती है? खोखली होती है, संरंध्री होती है या ठोस होती है या किलक होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो भी होती है, जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है, याद रखिएगा ये खोखली हड्डी होती है। आगे है, आगे का क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है?
तो ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। और हाँ, ये हाँ, बिहार में ऐसे क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, भौतिक और रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसे एक पदार्थ अगर दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हुआ है तो उससे हम फिर वो बना नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दूध से दही बनाए तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन वो होता है जैसे कि हम बर्फ से जल बना रहे हैं तो जल से हम बर्फ बना रहे हैं, यानी कि उत्पाद जो भी बनता है उससे फिर हम वो पदार्थ बना सकते हैं। तो ये देखिए, हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, एक बार चांदी काला हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं, फिर से हम बना सकते हैं। ठीक है, हवा में एक बार चांदी का जो ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फिर उसे काला लग जाता है, तो उसे हम चांदी नहीं बना सकते। आगे हम मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जल जाएगी तो खत्म हो जाएगी। दूध से दही बनेगी तो ये सारे रासायनिक है। देखिए, पानी से चीनी में घुलना, तो अगर पानी में अगर चीनी घुला हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, फिर उसे गर्म कर वाष्पीकरण करके उसे हम चीनी बना सकते हैं। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। आगे है, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है के ऊपर, यानी कि कौन से ऐसे धातु हैं जिन पर हम भाप गुजारे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। तो देखिए, एल्युमिनियम के साथ, कार्बन के साथ, तांबे के साथ, या लोहा के साथ। जब भी हम भाप को किसी धातु के साथ अगर हम गुजारते हैं तो वो प्रतिक्रिया करेगी, तो वो कौन से धातु है, तो ये एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम के साथ क्या होती है ये, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी। वही कार्बन, तांबा, लोहा के साथ ये प्रतिक्रिया कर लेगी। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। काफी बार ये पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील कौन से धातु का मिश्र धातु है। तो ये हो जाता है, देखिए, लोहा तांबे का, लोहा जस्ते का, लोहा क्रोमियम और लोहा ग्रेफाइट। लोहा और क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्यों, ये भी पूछा जाता है, क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें क्रोमियम क्यों मिलाते हैं, तो कठोर करने के लिए, ये याद रखिएगा। और लोहा और क्रोमियम का होता है, इसमें निकेल भी होता है, ये भी याद रखिएगा। वहीं पिताजी याद रखिएगा, पित्तल में तांबा और जस्ता होता है। ठीक, आगे है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है। तो कॉपरनिकस ने किसका खोज किया था, तो ये दो चीजों की खोज किए थे। इन्होंने ही बताया था कि यह ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। पहले ये मानना होता है था कि पृथ्वी के चारों ओर जो जो भी ग्रह है चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि क्या सूर्य के चारों ओर सभी जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं। आगे है, शीघ्रोत्पादी रिकेट्स है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। तो शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में क्या होता है, किस तरह हम बिजली को जो है उत्पादन करते हैं, तो बिग लगन प्रक्रिया द्वारा, सौर सेल की सहायता से, इसके द्वारा कुछ इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने पर, या आगे हो ऑप्शन है, कठोर जल के शोधक के रूप में उपयोग करके। तो देखिए, इसका सही आंसर हो, तो 198 का ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उसे पुनः उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक, जो परमाणु ऊर्जा के हैं, भारतीय जो है जनक कौन है, जो भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा को उपयोग किया था। तो ये हो जाते हैं, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने सबसे पहले परमाणु ऊर्जा को मतलब किया था, इसीलिए इसे जनक भी कहा जाता है। ठीक, आगे का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है। जो भी अंतरिक्ष विज्ञान एवं अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है, एम एम भटनागर, बी साराभाई, विक्रम साराभाई, एम जेड कासिन, या सी वी रमन। तो विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का ये जाता है, अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, ये जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक, आगे है, 201 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या किए थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसे जाना जाता है। ठीक, याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जाने जाते हैं। आगे है,
पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। तो देखिए पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है। गलत, ये है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंड कर दिया जाता है। तो क्या होता है, पाश्चुरित दूध बनाने के लिए हमें एक नियम को फॉलो करना पड़ता है। इसमें है 62.5 डिग्री सी पर दूध को गर्म करके आधे घंटे तक गर्म किया जाता है और निश्चित समय में अचानक ठंड कर लिया जाता है, तो इससे बन जाता है पाश्चुरित। ठीक, आगे है एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है, एम्फीबिया बहुत तेज से चलने वाले नाव, नाव केवल जल में ही रहने वाले पशु, या केवल स्थल पर ही रहने वाले, या जल और स्थल पर दोनों। तो देखिए उभयचर हो जाता है, जल और स्थल दोनों पर रहता है। एम्फीबिया जो होता है ये केवल जल भी रहते हैं। ठीक, याद रखिए एम्फीबिया, सॉरी याद रखिएगा, एम्फीबिया हो जाता है जल और स्थल दोनों, जो उभयचर होता है वही एम्फीबिया कहलाता है। याद रखिएगा दोनों स्थानों पर जो रह सकते हैं पशु वो एम्फीबिया होता है। आगे है, आगे का क्वेश्चन है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा किया जाने वाला बीमारी है, यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, यह दलहनी क्षेत्र में अधिक होती है और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मलेरिया में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा गया है, याद रखिएगा क्वेश्चन में। तो देखिए ये परजीवी द्वारा होता है, ये सही है, ये मच्छर द्वारा फैलता है, ये भी सही है, और क्लोरोक्विन से इसका उपचार किया जाता है, ये भी सही है। ये देखिए दलहनी क्षेत्र में अधिकतर होता है, ये गलत है। दलहनी क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ये याद रख, सॉरी, ये देखिए दलहनी क्षेत्र में भी ये होता है, पर ये परोपजीवी, ये गलत है। ये क्या होता है, मलेरिया परजीवी के कारण होता है, लेकिन यहाँ दिया है परोपजीवी कीट, कीट के द्वारा नहीं होता है, ये याद रखिएगा, इसका यही गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, लगेगा कि परजीवी है लेकिन ये गलत है, परोपजीवी अलग होते हैं। आगे का क्वेश्चन है, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए एक अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था। तो देखिए 20 नवंबर 1997 को कोलंबिया एक अमेरिकी स्पेस शटल है जहाँ कौन, कल्पना चावला गई थी। ठीक, याद रखिएगा। आगे है गामा किरणें। गामा किरणें क्या होता है, तो उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, या निम्न ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, या उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन। तो गामा किरणें का एक इम्पोर्टेंट इसका है, याद रखिएगा, भेदन क्षमता अधिक होता है, तो जिनका भेदन क्षमता अधिक होता है उसका विद्युत चुंबकीय तरंग कम होते हैं। ठीक, तो ये हो जाते हैं उच्च ऊर्जा वाले, ऊर्जा उच्च होंगे और विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, याद रखिएगा। आगे है नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या परिवर्तन करता है, यूरेनियम का अल्फा कणों से, पिंड का ऊर्जा से, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से, या प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। तो नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तन करता है क्या, तो देखिए यूरेनियम से जो अल्फा कण निकलते हैं वही नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण है। ठीक, आगे है जिस धातुओं को पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है। तो देखिए तन्यता यही कहलाती है, जो भी उसे पीट कर हम तार बनाते हैं या पत्थर बनाते हैं, जो सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो सोना है, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, देखिए परमाणु का सबसे सूक्ष्मतम रूप अणु होता है और अणु से सबसे छोटा होता है, तो इसे हम विभाजन नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय लेता है। तो देखिए सभी सूर्य के परिक्रमा करते हैं और सबसे कम समय कौन लेते हैं, तो जो पास में होंगे यहाँ सूर्य है और जो पास में रहेंगे वो सबसे ज्यादा कम समय लेते हैं, तो वो जल्दी जल्दी घूम जाएगी। तो सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो पृथ्वी सबसे कम समय लेती है। ठीक, ऑप्शन के अनुसार, या बुध जो होते हैं वो कम समय लेते हैं, तो ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो पृथ्वी मारिएगा। ठीक, तो ये था आज का
210 क्वेश्चन आज तक हो गए, और यहाँ नीचे इस पीडीएफ में आपको सारे के आंसर मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और जो पिछले क्लास नहीं देखे उसे जाकर भी कर लीजिए। मिलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।